क्यों हमें नहीं सिखाया जाता है, कारण बताता हूं। और ये कारण क्यों है, हम रिटेलर्स को, हम छोटे लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है, बिलो एवरेज एवरेज फैमिली में है, उनके दिमाग में ना कुछ ऐसे टैबू भर दिए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें भर दी गई हैं जिनसे हमारे दिमाग में शेयर मार्केट को लेकर सवाल ही सवाल पैदा होता रहता है। कैसे सवाल? पहला सवाल दिमाग में आता है, शेयर मार्केट को अमीरों का खेल। कई कई लोग ऐसे मानते हैं कि शेयर मार्केट उनको लगता है सिर्फ अमीरों का खेल है। भाई साहब गलत है, बहुत लोगों को डाउट रहता है शेयर मार्केट अपनी बस की बात नहीं है। एवरेज बिलो एवरेज मेरे पापा खुद कहते थे फालतू चीजें अमीर लोगों का चोचला है, समझ रहे हो, फालतू चीज जुआ जुआ अमीर लोगों का चोचला, इसके बाद अच्छा पैसा वही करता है, फालतू की चीजें इतना ध्यान मत दे। पहले तो शेयर मार्केट की वजह से लोग बात नहीं करते हमारी एवरेज और बिलो एवरेज फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली भी उसी में आती है। दूसरा हमारे दिमाग में डाल दिया बहुत बहुत पैसा डूब जाता है, वापस ही नहीं आती, सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से शेयर मार्केट में कोई बात नहीं करना। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, रिस्की है लेकिन बहुत रिस्की नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा कमाया नहीं जा सकता, सीख ले समझ ले तो पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये डाउट ही रहता है एवरेज फैमिली और बिलो एवरेज फैमिली बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की, नो नॉट एट ऑल, बर्बाद हो जाएंगे सीधे बात सीधे शेयर मार्केट, ओ माय गॉड बर्बाद हो जाएंगे, हमें पैसा नहीं डालना। और फिर और क्या सवाल आता है दिमाग में, डीप नॉलेज चाहिए, बहुत गहरी समझ चाहिए शेयर मार्केट में वही पैसा कमा सकता है। तो देखो डीप नॉलेज गहरी समझ किस चीज में नहीं चाहिए, आज YouTube में पैसा कमाने के लिए आज जिस पोजीशन पे हूँ YouTube से मैं पैसा कमा रहा हूँ उसके लिए 7 साल लगे, हर चीज में डीप नॉलेज चाहिए।